और बिहार ही नहीं, आप देश के अंदर जहाँ भी आपने देखा होगा कि जहाँ भी सरकारें नहीं रही है ऐसा ही लोग तांडव करता है। लोग जो लोगों ने किया है ऐसा, उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। वह अधिकारी हो या लोग हो, कोई हो कि समुदाय का होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। तरफ तो बिहार जल रहा है, ये लोग जो षड्यंत्र रच के जलाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। बता दें कि जिस तरीके से बिहार में एक हिंसा भड़की हुई है, उसके बाद से बिहार की सियासत भी आप कह सकते हैं कि भड़क उठी है और लगातार एक के बाद एक बयानबाजी देखने को मिल रही है। बता दें कि चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे वो विपक्ष के नेता हो, दोनों तरफ से बयानबाजी खूब हो रही है, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं सदन से बाहर निकलने के बाद जो बिहार सरकार में मंत्री हैं जमा खान, उनका भी बयान सामने आया है। दरअसल जमा खान का कहना है कि ये साजिश के तहत सब कुछ किया गया है। वहीं उन्होंने बीजेपी वालों को नसीहत दी है कि जरा क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सोच समझ कर बोले, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप जमा खान का ये बयान सुनिए। जो नालंदा में घटी, सासाराम में घटी, इससे हम लोग बहुत सभी साथी से दुखद घटना है, हम लोग दुखी हैं। और ये आप जानते हैं साजिश तहत हुआ है और 24 चुनाव को लेकर लोग ये हड़कंप लोग मचा रहा है, ये साजिश है। और बिहार ही नहीं, आप देश के अंदर जहाँ भी आपने देखा होगा कि जहाँ भी सरकारें नहीं रही है ऐसा ही लोग तांडव करता है लोग, और ये स्थिति बिहार में लोग लाना चाह रहा है। अभी आपने देखा होगा जो उनके गृह मंत्री हैं सेंटर के, उन्होंने क्या बात बोला, बोलने की वो एक गृह मंत्री बोला है शब्द को, तो ये लोग क्या कर सकते हैं आप ही जानते हैं। ये लोग एक साजिश है, षड्यंत्र है करके कि बिहार को बर्बाद किया जाए। नीतीश कुमार तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि जो 20% आबादी है उनको 80 शब्दों में बधाई देते हैं और जो 80% जिनकी आबादी है उनको 20 शब्दों में बधाई देते हैं। नीतीश कुमार की मानसिकता को दर्शाता है कि आखिरकार वो क्या। पहले तो मैं कहूँगा आपके माध्यम से, पहले बोलने का तौर तरीका सीखे उन लोग, कम से कम क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। एक तरफ तो बिहार जल रहा है, ये लोग जो षड्यंत्र रच के जलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग उसमें परेशान हैं। ये आप जानते हैं जो भी है हुआ है एक साजिश के तहत हुआ है, ये कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप भी जानते हैं। और यही नहीं, देश के अंदर जिस कोने में आपने देखा हो यहाँ सरकार नहीं रही है, ये लोग साजिश ऐसे ही नुकसान करते रहे हैं, उन्माद फैलाते रहे हैं, हम लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जो लोगों ने किया है ऐसा, उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। वह अधिकारी हो या लोग हो, कोई हो कि समुदाय का होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे नेता ने निर्देशित किया, अधिकारियों का चिन्ह किया जा रहा है। मैं आपके द्वारा कहना चाहूँगा पूरे बिहार को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, हर समाज के लोग समझें अफवाहों से, जो अफवाहें चल रही हैं उसे होशियार रहें। ये लोग चाहते हैं बर्बाद करना, चूँकि इनका तो बिगड़ेगा नहीं, ये तो ऐसी में रहेंगे, इनके नेता ऐसी में रहेंगे, नुकसान होगा गरीबों का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ इन लोगों का षड्यंत्र है, इससे हमको बचना चाहिए। तो देखा आपने कि जमा खान का साफ तौर पे कहना है कि जो सासाराम और नालंदा में घटना घटी है, हिंसा भड़की है, वो बेहद ही दुखद है और इससे हम लोग बहुत ही ज्यादा दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 2024 के चुनाव को लेकर इस तरीके की साजिश रची गई है और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। और भी बहुत कुछ कहते नजर आए जमा खान, साफ तौर पे उनका जो निशाना था वो बीजेपी पर था और उन्होंने जमकर अपनी बीजेपी पर भड़ास भी निकाली है। बता दें कि रामनवमी जुलूस के बाद से ही लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि सासाराम और नालंदा में हिंसा भड़क उठी है। हालांकि जो बिहार के पुलिस प्रशासन है वो लगातार इस पर नियंत्रण करने की कोशिश में भी लगी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने डेक न्यूज 24 के साथ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।